शिकायत कराई गई थी, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और आखिरकार जो उनकी हत्या कर दी। अकरम जी की हत्या से हम सब बहुत दुखी हैं, इसलिए कि वो एक बहुत यूथ कांग्रेस का समर्पित साथी था और पूरी तरह प्रियंका गांधी के लिए उसके हृदय में बड़ा आदर था। मुझे बात की है, मैंने नेतृत्व ने मुझसे कहा, मैं गया था पोस्टमार्टम हाउस भी होके आया हूँ, उसके पिता भाई से मिलकर आया हूँ, उनके दुख की कोई सानी नहीं, समय टूट गए हैं वो लोग। और दुखद ये है, बात सिर्फ प्रयागराज की नहीं, बात प्रदेश की है। आज यहाँ कानून का राज रह ही नहीं गया है, चारों तरफ जंगल राज। उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को स्वीकार करने को नहीं तैयार। अकरम साहब के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि उन पर खतरा था, कहा गया था। लोग कहते हैं सारे अपराधी जेल में, और जिस अपराधी ने मारा है लोग कहते हैं कि वो शातिर किस्म का था, उसके बाद भी वो कैसे बाहर था। तो अगर सारे अपराधी मुख्यमंत्री जी की बात मान लें जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो ये नए अपराधी क्या भाजपा ने पैदा किए? कुल मिलाकर उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, अकरम को के परिवारजनों को, उसके पिता भाई को, और इस पर जो भी दोषी हों या जिनकी छत्र छाया हो नेताओं की सत्ता रूढ़ दल के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक मामला है।